हेलो एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको फ्यूचर टेंस की सेकंड कैटेगरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। आप इंग्लिश स्पीकिंग लेवल से सीख रहे हैं, सो वी कॉल इट बॉक्स नंबर 6। आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करना है। सो व्हाट द रूल ऑफ बॉक्स नंबर 6? जब हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे एंड फ्यूचर में किसी काम के हो रहे होने की बात करेंगे, आपके सेंटेंस में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आएंगे। ऐसे सेंटेंसेस बॉक्स नंबर 6 की कैटेगरीज में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं तुमसे दूर जा रही होगी, वह मुझे परेशान नहीं कर रहा होगा, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही होंगी, बच्चे कल ही अपने खिलौने तोड़ रहे होंगे, वह अपना लेसन रात में याद कर रही होगी। सो रहा होगा, रहे होंगे। ऐसे सेंटेंसेस में गाइज आप बॉक्स नंबर 6 के रूल्स को फॉलो करेंगे। सो व्हाट द रूल ऑफ बॉक्स नंबर 6? फर्स्टली यू विल यूज सब्जेक्ट, जिसके द्वारा काम किया जा रहा होगा, तो आप सब्जेक्ट यूज करेंगे। देन विल बी एक्शन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एंड अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है गाइज, सो सब्जेक्ट विल नॉट बी, विल और बी के जस्ट बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। देन एक्शन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ योर असर्टिव निगेटिव। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है गाइस, सो सब्जेक्ट के जस्ट पहले आप विल का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, बी, एक्शन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है, सो सब्जेक्ट के जस्ट पहले आप विल का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप नॉट का यूज करेंगे, बी, एक्शन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं गाइस, तो सब्जेक्ट के जस्ट पहले आप विल नॉट का यूज करेंगे, वोंट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ योर इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन अगर आप WH फैमिली का वर्ड यूज करते हैं, कौन, कब, कैसे, कहां, किसका, किसने, सो जस्ट विल के जस्ट पहले आप WH फैमिली का वर्ड यूज करेंगे एंड सेम रूल फॉलो करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, दुकानदार इस समय आराम कर रहा होगा, सो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। सो दिस इज अ असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे गाइस, कौन आराम कर रहा होगा, दुकानदार, तो द शॉपकीपर। देन विल बी का यूज करेंगे, शॉपकीपर विल बी। आराम करना, टेक रेस्ट, तो टेक के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, टेकिंग। एट At this time, so this is assertive subject, then will be, action first form के साथ आप ing का use करेंगे, then object। अगर आपका sentence negative है guys, तुम इस साल परीक्षा में नहीं बैठ रही होगी, so you is a subject, you will not be, तो will और be के just बीच में आप not का use करेंगे, you will not be। परीक्षा में बैठना, अपीयरिंग, अपीयर के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, परीक्षा में, एट द एग्जामिनेशन। You will not be appearing at the examination इस साल, this year। So this is a your negative sentence। लेकिन अगर आपका sentence interrogative है, क्या doctor मरीज को दवा मुफ्त नहीं दे रहा होगा, So आप interrogative negative, क्योंकि नहीं का use हो गया आपका, So will। आप सब्जेक्ट के जस्ट पहले विल का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, कौन दवा नहीं मुफ्त दे रहा होगा, डॉक्टर, सो विल द डॉक्टर
नॉट बी। आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे, देन बी। दीना गिव, गिविंग मेडिसिन, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पेशेंट। तो दिस इज योर इंट्रोगेटिव निगेटिव। विल द डॉक्टर नॉट बी गिविंग मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पेशेंट। अगर आप डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड यूज करते हैं गाइस, कल तुम्हारी प्रशंसा या तारीफ कौन कर रहा होगा? सो दिस इज अ डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, हु। हु विल बी, तारीफ करना, प्रेज। तो प्रेज के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, प्रेजिंग। हु विल बी प्रेजिंग यू टुमारो। ओके, सो दिस इज अ डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। सो चेंजिंग स्ट्रक्चर के थ्रू आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे गाइस। असर्टिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, तुम कल वहां जा रही होगी, यू विल बी गोइंग देयर टुमारो। बारिश हो रही होगी वहां, इट विल बी रेनिंग देयर। तेज हवा चल रही होगी, द विंड विल बी ब्लोइंग फास्ट। सभी ठंड से कांप रहे होंगे, एवरी वन विल बी शिवरिंग विथ कोल्ड। तुम मेरी याद कर रही होगी, यू विल बी मिसिंग मी। एंड तुम इस समय गर्म चाय पी रही होगी, यू विल बी टेकिंग हॉट टी एट दिस टाइम। हम एक दूसरे से मोबाइल पर बात कर रहे होंगे, वी विल बी टॉकिंग टू ईच अदर ऑन मोबाइल। सो गाइज, जस्ट लाइक दिस आपको प्रैक्टिस करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रूल्स और कंडीशन क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप कंडीशन के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो करेंगे। एंड इट डजंट मैटर कि आपको ग्रामर का नाम याद है या नहीं याद है, लेकिन आपके रूल्स और कंडीशन क्लियर होने चाहिए। सो डू प्रैक्टिस एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।